साइबर स्किल डाटा सेंटर निर्माण पाई महाराष्ट्र सरकार के सह आदानी ग्रुप रो एमओयू एथिपाई महाराष्ट्र रे 50,000 टंका निवेश करिवो आदानी ग्रुप नवी मुंबई एवं पुणे रे एही डाटा सेंटर निर्माण करा जिवो एहार विशेषत्व हला एही डाटा सेंटर संपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा परिचालित हेबो एथिपाई डाभोस रे विश्व अर्थनैतिक फोरम रे आदानी ग्रुप रो फ्लैगशिप कंपनी आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड महाराष्ट्र सरकार को सह एक चुक्ति स्वाक्षरित करिछि। एही एमओयू बेले आदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम आदानी एवं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थिले। आसंता 10 वर्ष रे 1 गीगावाट क्षमता विशिष्ट एही डाटा सेंटर रो खर्च हेबो 50,000 कोटी टंका। एहाकु डाटा सेंटर भित्तिभूमि रो प्रमुख स्थान मुंबई किंबा नवी मुंबई एवं पुणे रे निर्माण करा जिवो। एहा संपूर्ण भाबे रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा चालिबाकु थिबा बेले महाराष्ट्र रे ग्रीन एनर्जी भित्तिभूमि अभिवृद्धि रे विशेष सहायक हेबो। एही प्रकल्प जरिया रे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष पाखापाखी 20,000 लोक निजुक्ति पाइबे। एहा सह आदानी ग्रुप 1 गीगावाट हाइपर स्केल डाटा सेंटर भित्तिभूमि रे बड़का बिजुली आवंटन पाई लक्ष्य रखिछि। सूचना और प्रजुक्ति क्षेत्र में भित्तिभूमि को प्रोत्साहित करुछंती महाराष्ट्र सरकार। हाइपर स्केल प्रकल्प उभय अर्थनीति और सामाजिक दृष्टिकोण रु महाराष्ट्र पाई गुरुत्वपूर्ण। रिन्यूएबल एनर्जी रे मुंबईर सहभागिता अति नगण्य थिले मध्य द्रुत गति रे एथिरे परिवर्तन होईची। आसंता किछि वर्ष रे मुंबई स्वच्छ ईंधन को अपणेबारे ग्लोबल लीडर होईपारिची। स्वच्छ ईंधन अपणेबारे विश्वर कौनसी बड़ सहर को अतिक्रम करिपारिची आदानी ग्रुप। एभळी बड़ बड़ प्रकल्प मुंबईर रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा को आहुरी सुगम करिचालिचंती। यहा द्वारा भारतर रिन्यूएबल एनर्जी टार्गेट पूरण हेबा सहित सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य हासिल होउची। 2023 मसीहा आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी उत्सरु मुंबईर 38% बिजुली उपभोक्ताक बिजुली आवश्यकता पूरण करिपारिची। 2027 मसीहा सुधा एही टार्गेट 60% करिबाकु लक्ष्य रखिची आदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।